बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन की शुरुआत ही हंगामे के साथ हुई। सदन के बाहर विधानमंडल परिसर में भाजपा विधायकों ने सूबे के मुखिया नीतीश कुमार को घेरा। बता दें कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर मुख्यमंत्री ने मंगलवार को जो बातें कही उस पर भाजपा ने मुख्यमंत्री को घेरा है, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने उस बयान को लेकर अपनी ओर से सफाई दी है। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो हम आपने कहा मुख्यमंत्री शर्म करें। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं और अपनी सारी चीजों को वापस लेता हूं और मैं महिलाओं के पक्ष में है। वही बुधवार को जब मुख्यमंत्री विधानमंडल परिसर पहुंचे तो भाजपा की ओर से बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने उस बयान को लेकर सफाई दी। अगर मेरी कोई बात गलती लगी है तो मैं इसको वापस करता हूं और मैं दुख प्रकट करता हूं और हम बाकी लोगों का अभिनंदन ही करता हूं। और बाकी समझ लीजिए, हमने तो महिलाओं को उत्थान के लिए काम किया। सर, समाज हित में समाज हित में ही सर लागू होना चाहिए। बिल्कुल लागू होना चाहिए। अब तो हम देखिए, हम लोगों ने जो बिहार में इतना बड़ा बड़ा काम कर दिया कि पहले 50% था और केंद्र ने 10% अपर कास्ट के लिए किया, तो हमने कहा कि वो ठीक है, हम लोग सब उसको स्वीकार है, ठीक ही किया है। लेकिन उसके बाद, और ये पहले से ही तय है, हम बार बार कल को बोल रहे थे कि पहले से ही तय है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को उसको मिलता है 100%। तो 50% में अब संख्या बढ़ी है शेड्यूल कास्ट की या शेड्यूल ट्राइब की, तो इसको लेकर के उसकी संख्या बढ़ेगी 100% का, तो बाकी लोगों की संख्या और घट जाएगी। इसलिए हमने कहा इसको 50 की जगह कम से कम 65 अगर कर दिया जाए, और 10 तो पहले से 50 10 60, तो अगर 65 कर दिया जाए तो 65 10 75 हो जाएगा। ये हम लोगों ने कहा पिछड़ा अति पिछड़ा के उत्थान के लिए किया, और महिलाओं के उत्थान के लिए तो जितना काम बिहार में किया गया है आप बताइए कितनी लोग प्रशंसा करता है। तो जब हम अच्छा काम करते हैं तो कोई ना कोई बात और कोई एकाध शब्द मेरे मुंह से आ गया होगा तो उसके चलते मेरी निंदा हो रही है, तो मैं तो भाई माफी मांगता हूं, और जो मेरे निंदा करते हैं उसका भी मैं अभिनंदन करता हूं। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।